फ्रेंड्स, आपको स्वागत है टेक्नोमान में। गाइस, इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के बारे में। हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग हर यूट्यूबर फ्लिपकार्ट बिग बिलियंस डे एंड इसके ऊपर वीडियो बना ही रहा है, तो यार ये भी जो सेल है ये भी जो है आज से लागू हो गई है। हाँ दोस्तों, 10 से लेकर 14 तक, तो अभी सुबह हो चुकी है, 10 से 14 तक ये सेल चलने वाली है। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे 10 से 15 चलने वाली है, तो ये कुछ ज़्यादा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टॉप 7 स्मार्टफोन में जो है वो बताऊँगा, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्राइस में मिलते हैं और बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है। एंड तो पूरा वीडियो देखेगा, बिल्कुल भी स्किप मत करेगा। और डिस्काउंट के बारे में भी बात करेंगे कि आके आप लोगों को अमेजोन में अच्छा मिल रहा है। और अभी तक आपने हमारी फ्लिपकार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से जाके देखिए, क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप जरूर से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डील्स और ऑफर के बारे में। हाँ दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता था SGFC के थ्रू, और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं SBI के थ्रू। हाँ दोस्तों, तो 10% जो भी फोन लेते हो, 10,000 रुपये का फोन, जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, 10,000 रुपये का फोन लेते हो, तो उससे भाई 1,000 रुपये आपका डिस्काउंट हो जाएगा, फोन पड़ जाएगा आपको 9,000 रुपये का। तो मतलब 10% आप लोग को इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा SBI के कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हो। और एक और बात बता दूँ, जैसे कि आप कोई भी आप अपने मोबाइल का डैमेज प्रोटेक्शन कराते हो तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। जैसे कि आपका जो 1,000 रुपये लग रहा है तो वहाँ पर आपको सिर्फ 500 रुपये मिलेगा। तो ये बात मेरे को सही लगी, 500 रुपये में, मतलब कोई ज़्यादा वो भी नहीं है यार, 500 रुपये में 1 साल के लिए प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो ये सबसे बढ़िया बात है। एंड ये सही से सबसे मुझे सही लगा है। तो गाइस, अब मैं बात कर लेता हूँ फ़ोन के बारे में। तो सबसे पहला जो स्मार्टफोन है जिसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, 1+6। हाँ गाइस, 1+6 जो है वो सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे 30,000 रुपये का मिल रहा है। जो 35,000 रुपये का स्मार्टफोन है, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 30,000 रुपये में मिल रहा है, जो सबसे अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है, मैं आप लोगों को बताऊँ तो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो इसका जो प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो 30,000 में मिल रहा है। इसकी स्पेसिफिकेशन आप जानते हो, इतनी अच्छी 6 GB की रैम मिलती है, 64 GB वाला वेरियंट है, सिर्फ 20+16 MP का रियर कैमरा मिलता है, 16 MP का सेल्फी कैमरा, कैमरा एकदम लाजवाब है, 3,300 mAh की बैटरी मिलती है जो फास्ट चार्जिंग डैश चार्जिंग के साथ आती है, जो आपको आधे घंटे 15 मिनट फुल चार्ज कर देगी। मैंने इसको वीडियो बनाया, आप जाके जरूर देख सकते हैं, बहुत ही सही डील है मेरे हिसाब से 30,000 रुपये के अंदर। एंड आप जाके जरूर से इसको देख सकते हैं, आपको नो कॉस्ट EMI मिलती है, बट अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो भी हम देख लेंगे फिर आप, मगर जाके आप ज़रूर से देख सकते हैं, ये फ़ोन भी बहुत ही बढ़िया है। मैंने आप लोगों के लिए पूरा नोट डाउन करके रखा है कि कौन कौन सा फ़ोन है। तो मेरे हिसाब से गाइज 1+6 एक बहुत ही सही है। और आप बोल रहे हो कि 1+60 के लिए रुक रहे हो, तो गाइज बोलूँ तो भाई मत रुको ज़्यादा, कोई तब खास नहीं है, बट जब भी आपको रुकना है, आप इतने बड़े फ़ैन हो तो ठीक है, मगर मैं बोलूँ तो ये डील जो है वो आपके हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। चलिए गाइस, नेक्स्ट डील के बारे में बात करता हूँ, तो वो आ जाएगा Redmi Y2। हाँ गाइस, जिसके आप लोगों को पता है Redmi Y2 का जो बेस वेरिएंट था 10,000 रुपये में आता था, अभी आपको सिर्फ मिल रहा है 9,000 रुपये में। आप SBI का निकालते हो, और SBI यार मैं आपको बता दूँ, चलो अब वहाँ पे जो बिग बिलियन डे में आपको HDFC मिलता है, तो HDFC में अब बहुत सारे लोग HDFC में नहीं रहता है, मगर SBI एक ऐसा बैंक है गाइस कि कोई ना कोई की फैमिली में कहीं ना कहीं तो आपको SBI का मिल ही जाएगा, क्योंकि SBI बहुत पॉपुलर बैंक है, तो वहां पे आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को 9,000 रुपये का फोन है तो वो आप लोग को, और आप SBI के कार्ड से कर लेते हो तो आपको सिर्फ 8,000 रुपये मिल जाएगा। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ 8,000 रुपये के अंदर ये फोन। आपको सिर्फ कैमरा के लिए चाहिए तो एकदम सही फोन है, रेडमी के और MI का ही चाहिए तो गाइज आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया फोन है 8,000 रुपये के हिसाब से। इसमें आपको डुअल रियर कैमरा मिलते हैं 12+5 MP के, थोड़ा डिस्प्ले HD+ है, बट ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, डिस्प्ले बड़ा भी है, तो आई थिंक आपको MI का फोन चाहिए और एक बहुत ही अच्छा कैमरा चाहिए, तो ये फोन आप जाके जरूर देख सकते हैं, बहुत बड़ा डिस्काउंट है इसमें। दोस्तों, जो अगला स्मार्टफोन है वो ऑनर की तरफ से आ जाता है। हाँ दोस्तों, ऑनर का प्ले जो है आप लोगों को जैसे कि पता है, जो फोन था 20,000 रुपये के अंदर, अभी आपको सिर्फ यहाँ मिल रहा है 19,000 रुपये के अंदर, तो 1,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया गया है। और अभी SBI का करते हो तो यार और मतलब 17.5 तक आपको मिल जाना चाहिए। एंड इसमें आप लोगों को बहुत सारा मिलता है, नो कॉस्ट EMI मिलती है, आप जो चाहें कार्ड से कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, भाई भंडार है इसका ऑफर का। Kirika 970 का प्रोसेसर है, आप लोग को स्टनिंग 6.3 इंच का 4HD+ का डिस्प्ले है, डुअल रियर कैमरा है, कैमरा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस प्राइस के हिसाब से, मेरे से इतना अच्छा कैमरा नहीं है, बट इसमें ठीक ठाक कैमरा आप बोल सकते हो। एंड बहुत ही अच्छा फोन है, डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, एंड दिखने विकने में बहुत अच्छा नॉच हो दिखती है बिल्कुल, तो मेरे सबसे अच्छा फोन है, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो 17.5 हज़ार रुपये के प्रेंज, क्योंकि 20 का था, अभी आपको यहाँ पे 17.5 में मिल रहा है, तो आई थिंक ये आप ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि ऑनर के फ़ोन भी अच्छे होते हैं, आप ये नहीं बोल सकते बेकार होते हैं, अच्छा फ़ोन है और आपको ज़रूर से देख लेना चाहिए।
गाइज मैं आप लोगों को बोलूँ 11,500 रुपये में आप लोगों को 6 GB रैम और 128 GB वाला वेरियंट और हीलियो का P60 का प्रोसेसर, तो आप बोलोगे कौन सा फ़ोन है। तो गाइज हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपकी ही आजकल की फेवरेट कंपनी रियलमी। हाँ गाइज रियलमी वन जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत मतलब पुराना हो चुका है, बट रियलमी वन में आप लोगों को भाई बता दूँ ये 6 GB रैम और 128 GB वाला वेरियंट आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे देखने मिलने वाला है आई थिंक 11,500 रुपये में, क्योंकि आपका ये फ़ोन जो पड़ता है ये होता है 12,990 रुपये में, फ्लैश सेल चल रहा है 15,000 का है, आपको यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ 13,000 रुपये में। 13,000 रुपये में आप SBI का कार्ड लगाते हो तो 10% और इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, तो आपको 11,500-12,000 तक आपको ये फ़ोन पड़ जाता है। तो मैं बोलूँगा चीपेस्ट फ़ोन पड़ता है 128 GB वाला आप लोगों को। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा डिस्प्ले भी देखने मिल जाता है 6 इंच का फुल HD प्लस का, इसमें कैमरा भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, आपको डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा मिल ही जाता है, बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी है। तो आई थिंक गाइज आपको एक 128 GB वाला वेरियंट चाहिए मतलब चीपेस्ट में, तो गाइज आई थिंक रियलमी वन की आप जा सकते हैं, एंड आप लोगों को 256 एक्सपेंडेबल भी है, तो डिज़ाइन तो भाई आप लोगों को पता ही है रियलमी वन का कितना अच्छा होता है, तो वरना आप लोग रियलमी 2 प्रो भी देख सकते हो, बट आई थिंक इस प्राइस के हिसाब से बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाके ले सकते हैं। गाइज जो अगला फ़ोन है वो भी ऑनर की तरफ से, हाँ गाइज ऑनर Nova 3i जैसे कि आप लोगों को पता है 4 कैमरा के साथ आता है, ये आप लोगों को 21,000 रुपये में मिलता था, यहाँ पे आप लोगों को फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ 3,000 रुपये मतलब 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, सिर्फ 18,000 रुपये में देखने मिल रहा है। SBI का लगाओगे तो और कम पड़ जाएगा, अराउंड 16.5-17 तक आपको पड़ जाएगा, तो गाइज आई थिंक बहुत ही सही है, नो कॉस्ट EMI मिलता है, जो चाहे आप कर सकते हैं, बहुत ही सही फ़ोन है आई थिंक यार इस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। 24+2 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, 16+2 MP का रियर कैमरा मिलता है, तो 4 कैमरा मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग किरी का अच्छा प्रोसेसर मिल भी और इसमें आप लोग को GPU टर्बो मोड भी मिलता है, तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया बात है। ऑनर के ये सब फ़ोन मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं आजकल, थोड़ा ऑनर जो है वो अच्छा कम बुला रहा है फ़ोन, 6.3 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले भी है, 128 GB की इंटरनल मेमोरी भी है, तो और क्या चाहिए आप लोगों को आप बताइए, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ही सही है, आप 16.5 में तो मेरे हिसाब से बहुत ही वैल्यू प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट फ़ोन के बारे में गाइज मैं बात करूं तो वो आ जाएगा, इस फ़ोन को बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार इसमें ये नहीं है वो नहीं है तो हम नहीं लेंगे, तो गाइज मैं आपको बता दूं Xiaomi A2। हाँ गाइज जैसे आप लोगों को पता है 17,000 रुपये के अंदर ये फ़ोन जो है लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर, अभी आप लोगों को सिर्फ मिल रहा है 15,000 रुपये के अंदर। हाँ भाई 15,000 में आप लोगों को Xiaomi A2 मिल रहा है, तो भाई इसमें ये जो फ़ोन है ये 15,000 रुपये में आपको और SBI का लगा लो यार पड़ जाएगा 13,500 रुपये का, आई थिंक 13,500 रुपये के वन ऑफ द बेस्ट कैमरा आप बोल सकते हो। कैमरा के लिए चाहिए तो मैं बोलूँगा 13,500 रुपये के अंदर कोई भी कैमरा फ़ोन चाहिए जाओ ये फ़ोन ले लो, बहुत ही बढ़िया कैमरा है गाइस, 12+20 MP के, इसमें आप लोगों को डुअल रियर कैमरा मिलता है, जो कैमरा होने वाले 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 20 MP का भी फ्रंट AI का मिलता है, तो भाई कैमरा बहुत ही खास है, मैंने जैसे आपको बोला था स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर भी है, 6 इंच का डिस्प्ले है, थोड़ा डिस्प्ले जो है वो थोड़ा छोटा है, तो मतलब आजकल के देखा जाए तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, 4 GB रैम और 64 GB मिल रहा है। आप जाना चाहते हैं 13,500 रुपये के अंदर तो आप जाके ज़रूर से इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फ़ोन आप लोग को 13,500 रुपये के अंदर मिल रहा है एंड प्रोसेसर भी। तो गाइज जो लास्ट स्मार्टफोन है वो है गाइज वीवो का V9 Pro। हाँ जैसे कि आप लोगों को बताया गाइज वीवो का V9 Pro अभी आया था, कुछ 1-2 हफ्ता ही हुआ है इस फोन को, और अभी अभी मुझे लगा नहीं था सेल में आएगा, तो 19-19.5 का मिल रहा था, तो अभी आपको सिर्फ 18 में मिल रहा है, SBI लगाते हो तो और सस्ता पड़ जाएगा, तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा फ़ोन है देखा जाए तो, पावरफुल आप लोग को इसमें मिलता है, अच्छी डिस्प्ले है, तो देखना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं। तो गाइज मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे अब आप लोगों को कौन कौन से स्मार्टफोन जो है वो नहीं लेने हैं, मैंने बता दिया कौन से लेने हैं और कौन से नहीं लेने, अब गाइज मैं बताता हूँ कौन से नहीं लेने हैं। गाइज मैं बोलूँगा सैमसंग के सबसे पहले मिड रेंज जो स्मार्टफोन्स आते हैं बिल्कुल भी मत लेना गाइज, बिल्कुल भी मत लेना, बिकॉज यार वो फ़ोन एकदम वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। आप मुझे एक काम करो, कमेंट करके मुझे पूछ लेना जो भी आप फ़ोन लेने वाले हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई कर दूंगा एंड आपको बता दूंगा कि ये वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। सैमसंग के मिड रेंज स्मार्टफोन बिल्कुल भी कोई अच्छा नहीं आने वाला है, तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। सेकेंड बात करता हूँ, आप इन फोकस के भी आ जाते हैं बहुत सारे, वो भी मत लीजिएगा। मोटरोला के भी आते हैं, मोटरोला का G6 आ रहा है और G5+ जो 1.5-2 साल पुराना फ़ोन जो आप लोगों को इतने सस्ते में मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा वो भी बिल्कुल भी मत लेना गाइज, बिकॉज यार बिल्कुल भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं यार, तो बिल्कुल भी आप फ़ोन मत लीजिएगा। और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप ये वाला स्मार्टफोन लेने वाले हो, तो मैं आप लोगों को बस येस या नो मैं आपको दे दूंगा, मैं इतना तो आपको जवाब दे ही सकता हूँ। तो गाइज बस इस वीडियो में गाइज बस इतना ही, एंड मैंने आप लोगों को कुछ अपनी ओपिनियन मतलब कुछ बता दी कि ये फ़ोन लेना चाहिए और ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए। अमेज़ॉन के ये ग्रेट फेस्टिवल, इंडियन ग्रेट फेस्टिवल
सेल में। तो आपको बताओ कमेंट करके कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, मैं आप लोग के लिए ऐसी यूजफुल कंटेंट लाता रहूँगा। और आज गुड मॉर्निंग यार, थोड़ा वीडियो जल्दी आ रहा है तो अच्छी बात है ना, है ना, तो रात में शूटिंग हो रही है इसलिए जल्दी आ रहा है। तो मिलते हैं गाइस आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।